अब देखते हैं हमारे लव बर्ड्स आंखें बंद करके एक दूसरे को ढूंढ पाते हैं या नहीं। ओ, मैं और अभिरा दिल और धड़कन है क्रिश, दिल और धड़कन को कोई दूर नहीं कर सकता। बंधन करने के लिए बहन को बुलाइए। पंडित जी, यहाँ एक बहन नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा कोरस गैंग है। क्यों कोरस गैंग? पंडित जी, हम दोनों को मिलाने में जितनी मेहनत हमारी बहनों ने की है, उतनी मेहनत हमारे भाइयों ने भी की है। जी, अगर आप कहें तो मेरे भाई बहन हमारा गठबंधन कर सकते हैं। अवश्य। क्या बात है, रोहित भैया ने नॉट काफी डेट बांध दिए। अब आप दोनों को एक दूसरे को ना जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। कौन खो गया? मंगलसूत्र मैंने उसी थाली में रखा था। क्या आप तैयार हैं एक और दिलचस्प मोड़ के लिए? आज हम चर्चा करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां पर हमें काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहां अभिरा ने अरमान की शादी से जुड़ी बातों का खंडन किया है और ये साफ किया है कि वो एक दूसरे के लिए इंतजार करने के लिए तैयार हैं। इस एपिसोड में कई भावनात्मक पहलू हैं, तो चलिए इन पर विस्तार से बात करते हैं। कहानी के इस मोड़ पर अभिरा का ये कहना है कि अरमान शादी के लिए अनिच्छुक नहीं है, कई सवालों को जन्म देता है। क्या आपको लगता है कि ये केवल अफवाहें हैं या फिर इस रिश्ते में वास्तव में कुछ तनाव है? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अभिरा का समर्थन दर्शाता है कि वो अपने रिश्ते को कितना महत्व देती है। क्या आपको लगता है कि ऐसे समर्थन से किसी रिश्ते की मजबूती बढ़ती है? आप में से कितनों ने कभी ऐसे रिश्तों का अनुभव किया है जहां एक साथी ने दूसरे का साथ दिया हो? अब बात करते हैं अरमान के दृष्टिकोण की। क्या वो अभिरा के इस विश्वास को समझ पाएंगे या फिर उनकी चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी? आप क्या सोचते हैं कि अरमान को अभिरा के साथ अपने रिश्ते को स्पष्टता करना कितना महत्वपूर्ण है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें देखने को मिलेगा कि अभिरा और अरमान के बीच की जटिलता कैसे सुलझाई जाती है। क्या आपको लगता है कि वो एक दूसरे के लिए सही है? क्या कभी कभी धैर्य और समझदारी रिश्ते को बचाने में मदद कर सकती है? इस एपिसोड में इमोशनल और सस्पेंस का एक नया स्तर देखने को मिलेगा। आपने अभिरा और अरमान के इस हालात पर क्या महसूस किया है? क्या उनका प्यार सभी बाधाओं को पार कर पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।